स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू SVS इंग्लिश क्लासेस। वी आर हेयर टू स्टडी MCQs बेस्ड ऑन रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस फॉर हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम्स 2024। हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो सेंटेंसेस के रीऑर्डरिंग पर आधारित हैं, शब्दों के समूह को पुनः क्रम में रख करके एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना, ये इसके अंतर्गत आता है। डायरेक्शन, निर्देश, रीअरेंज द वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। रीअरेंज मीन्स पुनः क्रम में रखना। द वर्ड क्लस्टर्स शब्द समूह को टू मेक बनाने के लिए ए मीनिंगफुल सेंटेंस एक अर्थपूर्ण वाक्य। एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए शब्द समूह को पुनः क्रम में रखिए। इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, पूरा सेंटेंस एक क्रमहीन तरीके से दिया हुआ होता है। शब्द सेंटेंस के अंदर क्रमहीन तरीके से रखे हुए होते हैं, उनको पुनः क्रम में रखना होता है ताकि एक अर्थपूर्ण वाक्य बन जाए। और ध्यान देंगे, जितने दिए हुए शब्द होते हैं गिन लेंगे, उतने ही शब्द हमारे रीऑर्डर्ड रीअरेंज्ड सेंटेंसेस में होने चाहिए, ना एक कम हो और ना एक अधिक, तभी हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर वन, रोजेज गुलाब, रेड लाल दी इन मे गार्डन बगीचा माई मेरा ब्यूटीफुल सुंदर आर हैं। तो ध्यान देंगे, यह पूरा सेंटेंस हमें रीऑर्डर करना है तो सर्वप्रथम हम सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे और सेंटेंस का फॉर्मेशन, सेंटेंस की संरचना एक निर्धारित क्रम में ही होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अन्य चीज़ें। यदि मेन वर्ब नहीं होती है तो लिंकिंग वर्ब होगी सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद उसका प्रेडिकेट पार्ट जिसे हम कंप्लीमेंट कहते हैं वो होगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमने बताया रोजेज मीन्स गुलाब, रेड लाल, इन मे दे का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता है, गार्डन बगीचा माई मेरा ब्यूटीफुल सुंदर आर हैं। तो माई पहला है ए, माई रेड रोजेज आर ब्यूटीफुल इन द गार्डन, मेरे लाल गुलाब सुंदर हैं इन द गार्डन बगीचे में, नहीं। जो पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट है उसके अनुसार माई डिटर्मिनर है, रेड एडजेक्टिव है, रोजेज नाउन है और इन द गार्डन एडजेक्टिव वाला फ्रेज है जो नाउन के बाद आना चाहिए, हेडवर्ड के बाद आना चाहिए, वही चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। तो होगा ये बी, रेड रोजेज इन माई गार्डन आर द ब्यूटीफुल। अब देखिए, वैसे तो ठीक रखा हुआ लेकिन आर्टिकल द ब्यूटीफुल से पहले आया है जो गलत है। सी, इन माई गार्डन रेड रोजेज आर द ब्यूटीफुल, यहाँ पर हमारा जो एडजेक्टिव फ्रेज है इन माई गार्डन, ये सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, यानी नाउन से पहले आ रहा है। नंबर आगे है डी ऑप्शन, द रेड रोजेज इन माई गार्डन आर ब्यूटीफुल। इस सेंटेंस को देखते हैं तो दी क्या है, डिटर्मिनर है, रेड एडजेक्टिव है, रोजेज नाउन जिसे हम हेडवर्ड कहते हैं,
इन माय गार्डन ये एडजेक्टिव और फ्रेज है जो नाउन के बाद आकर के नाउन को सीमित कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, आर ब्यूटीफुल। तो हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वह डी है। द रेड रोजेज इन माय गार्डन आर ब्यूटीफुल। नंबर टू, बर्ड चिड़िया बुश झाड़ी इन में हैंड हाथ ए एक वर्थ मूल्यवान इज है टू दो इन में दी आर्टिकल है, इसका स्पष्ट अर्थ नहीं होता है। तो सर्वप्रथम इसमें सब्जेक्ट देखते हैं, टू ए टू इन ए बुश झाड़ी में दो इज वर्थ बर्ड इन हैंड, ये ए ऑप्शन है। बी ए हैंड इन बर्ड चिड़िया में एक हाथ इज वर्थ योग्य है मूल्यवान है टू इन द बुश झाड़ी में दो, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, डी इन हैंड ए बर्ड इज वर्थ इन द बुश टू। तो स्टूडेंट जो सही ऑप्शन है इसमें ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ये सही ऑप्शन इसका सी है। ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश का मीनिंग होता है एक उपलब्ध चीज अनुपलब्ध दो चीज़ों से अधिक मूल्यवान होती है, अर्थात हमारे पास एक चीज़ है उपलब्ध है वह अधिक मूल्यवान है उन दो चीज़ों से या दो से अधिक चीज़ों से जो हमारे पास है ही नहीं, अर्थात एक उपलब्ध चीज़ अनुपलब्ध चीज़ों से अधिक मूल्यवान होती है। और इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, देखिए एक चिड़िया तो हमारे हाथ में है ठीक है, लेकिन दो चिड़िया झाड़ी में है। अब झाड़ी वाली चिड़ियों को हम कैसे पकड़ेंगे, हमारे पास तो जो हाथ में है वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कहावत है उपलब्ध चीज अनुपलब्ध चीज़ों से अधिक मूल्यवान होती है। नंबर थ्री, एक्सरसाइजेज फॉर हेल्थ गुड डूइंग इज, एक्सरसाइजेज व्यायाम फॉर के लिए हेल्थ स्वास्थ्य गुड अच्छा है अच्छी डूइंग करना इज है। यदि हम इसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसका अर्थ आता है ए एक्सरसाइजेज डूइंग इज गुड फॉर हेल्थ, बी डूइंग एक्सरसाइजेज इज गुड फॉर हेल्थ, फॉर हेल्थ इज गुड एक्सरसाइजेज डूइंग, डी हेल्थ इज गुड फॉर डूइंग एक्सरसाइज। तो जो हमने अर्थ बताया था इसमें अर्थ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, डूइंग एक्सरसाइजेज इज गुड फॉर हेल्थ, डूइंग एक्सरसाइजेज, डूइंग है ये हमारा जीरंड है और जीरंड को शुरू में रखा जाता है ठीक है, डूइंग एक्सरसाइजेज इज गुड फॉर हेल्थ ये सही ऑप्शन है। नंबर फोर, कंफर्टेबल एंड मोर इज लाइफ वर्थ लिविंग वर्ल्ड टूडेज इन बिफोर एवर देन, कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक एंड और मोर अधिक इज है लाइफ जीवन वर्थ लिविंग जीने योग्य, वर्ल्ड संसार टूडेज आज का इन में बिफोर पहले एवर कभी देन अपेक्षा। तो कितने सारे शब्द हैं इनको हमें
रीअरेंज करना है, रीऑर्डर करना है। ए इन टूडेज वर्ल्ड, आज के संसार में, वर्तमान संसार में, लाइफ इज मोर कंफर्टेबल एंड वर्थ लिविंग देन एवर बिफोर। बी कंफर्टेबल एंड वर्थ लिविंग देन एवर बिफोर इज लाइफ इन टूडेज वर्ल्ड। सी लाइफ इज वर्थ लिविंग एंड मोर कंफर्टेबल इन टूडेज वर्ल्ड देन एवर बिफोर। डी इन टूडेज वर्ल्ड देन एवर बिफोर लाइफ इज वर्थ लिविंग एंड मोर कंफर्टेबल। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सही विकल्प होगा ये ए होगा। इन टूडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में, लाइफ इज मोर कंफर्टेबल, जीवन अधिक सुखदायक है, आरामदायक है, एंड वर्थ लिविंग, और जीने के योग्य है, जीने के लायक है, देन एवर बिफोर, पहले से, कहीं पहले से अधिक। आज दुनिया में जीवन पहले से कहीं अधिक आरामदायक और जीने योग्य है। तो सही विकल्प इसका ए होगा। नंबर 5, यूथ फैमिली प्रीफर्स टूडेज न्यूक्लियर। यूथ युवा, फैमिली परिवार, प्रीफर्स अधिक पसंद करता है टूडेज आज का, न्यूक्लियर एकल, यानी कि आज का युवा एकल परिवार को अधिक पसंद करता है। ए न्यूक्लियर यूथ प्रीफर टूडेज फैमिली। बी टूडेज फैमिली यूथ प्रीफर न्यूक्लियर। सी न्यूक्लियर फैमिली टूडेज यूथ प्रीफर्स। डी टूडेज यूथ प्रीफर्स न्यूक्लियर फैमिली। टूडेज यूथ, आज का युवा, प्रीफर्स अधिक पसंद करता है न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार। एकल परिवार क्या होता है? जिसमें पति पत्नी और उसके बच्चे हो, इसके अलावा कोई और ना हो, ऐसे परिवार को एकल परिवार या न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। तो सही ऑप्शन इसका डी है, और इनको करना बहुत ही आसान होता है। अगर हम इनको एक से दो बार स्टडी कर लेंगे तो इनको करना आसान से और अधिक आसान, ईजी से ईजियर हो जाता है। नंबर 6, डू नॉट टाइम वेस्ट प्रेशियस योर। ए डू योर प्रेशियस टाइम नॉट वेस्ट। यदि हम इसका हिंदी अर्थ निकालते हैं तो डू नॉट, मत, टाइम, समय, वेस्ट, बर्बाद करो, प्रेशियस, बहुमूल्य, योर, अपना, टाइम इज समय। तो इसका हिंदी अर्थ निकल करके आता है, अपना बहुमूल्य समय बर्बाद मत करो या नष्ट मत करो। तो ये सेंटेंस इंपेरेटिव है, निगेटिव है, तो किस प्रकार से देखें, निगेटिव है, एक ट्रिक है, निगेटिव है तो शुरू में डू नॉट आएगा, सीधी सी बात है, सब्जेक्ट इसमें है नहीं। तो बी डू नॉट योर प्रेशियस टाइम वेस्ट। डू नॉट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। सी डू नॉट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम। डी योर प्रेशियस टाइम वेस्ट डू नॉट। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। क्यों? क्योंकि डू नॉट के बाद में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ रही है और उसके बाद इस वेस्ट वर्ब का
ऑब्जेक्ट आ रहा है योर प्रेसियस टाइम, तो सही ऑप्शन इसका सी है। नंबर सेवन, ट्रेवलिंग माय एंड आर मदर फॉन्ड ऑफ फादर। ट्रेवलिंग मीन्स यात्रा करना, माय मेरे एंड और आर है मदर माता, फॉन्ड ऑफ शौकीन या पसंद करते हैं, फादर पिता। यदि हम इसकी हिंदी निकालते हैं तो इस प्रकार से निकल कर के आएगी, मेरे माता पिता यात्रा के या यात्रा करने के शौकीन हैं, या मेरे माता पिता यात्रा करना पसंद करते हैं। ए, माई मदर एंड फादर आर फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। बी, फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग आर माई मदर एंड फादर। सी, माई मदर एंड फादर ट्रैवलिंग आर फॉन्ड ऑफ। डी, ट्रैवलिंग आर फॉन्ड ऑफ माई मदर एंड फादर। तो सही ऑप्शन है कि मेरे माता पिता यात्रा के शौकीन हैं, तो ए ऑप्शन सही होगा। माई मदर एंड फादर स्टिच के रूप में है, इनके साथ आर आएगा क्योंकि एक वचन नाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो वो बहुवचन हो जाते हैं, इसलिए माई मदर एंड फादर पहले आएगा और उसके बाद आर। फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, सही ऑप्शन इसका ए है। नंबर एट, कप प्रोसेस ए मेकिंग ऑफ टी इज वेरी सिंपल। ए, कप प्याला प्रोसेस प्रक्रिया ए एक मेकिंग बनाने की ऑफ टी चाय इज है वेरी बहुत सिंपल सरल। ए एक, यानी कि एक कप चाय बनाना एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। एक कप चाय बनाना एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, इसका अर्थ ये आएगा। तो एक कप कॉफी, तो पहले तो ये गलत ही हो रहा है, ये तो इसका ऑप्शन है ही नहीं। बी, एक कप ऑफ टी, चलो किसी की तरह सही है, इज वेरी सिंपल मेकिंग प्रोसेस, इसका स्ट्रक्चर भी सही नहीं है। सी, मेकिंग ए कप ऑफ टी इज ए वेरी सिंपल प्रोसेस। डी, ए वेरी सिंपल प्रोसेस इज मेकिंग कप ऑफ टी। हमने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में इसी वीडियो की कि सेंटेंस में दिए हुए शब्दों की संख्या को काउंट कर लेते हैं और जब हम सेंटेंस को रीअरेंज कर लेते हैं तो तब भी हम उसके शब्दों की संख्या को काउंट करते हैं, बराबर है तो हमारा सेंटेंस लगभग सही होगा। हालांकि हमने शब्दों की संख्या को पूरा पूरा प्रयोग किया है लेकिन उसके स्ट्रक्चर में कहीं गड़बड़ हो सकती है। ऐसा नहीं कि जितने संख्या हमने उसको प्रयोग कर दिया तो सेंटेंस सही ही होगा, ऐसा भी नहीं है। तो देखते हैं, इसका सही ऑप्शन सी है। मेकिंग ए कप ऑफ टी, एक कप चाय बनाना, जीरण का प्रयोग किया गया है इसमें। मेकिंग इज ए वेरी सिंपल प्रोसेस, एक बहुत ही साधारण या सामान्य प्रक्रिया है। प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, इसमें जीरण है। जीरण कैसे बनता है? जीरण मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के बनाया जाता है, यह नाउन का कार्य करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के रूप में इसको प्रयोग करते हैं या किया जाता है। इसका अर्थ हिंदी अर्थ नारायणी से निकलता है, तो मेकिंग शुरू में आ रहा है, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ है। नंबर नाइन, वाज ब्राइड दी गोइंग टू सी बाई ए ब्यूटीफुल फोर ड्रेस। वाज था थे थी, जो भी अर्थ आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। ब्राइड दुल्हन, दी का स्पष्ट अर्थ कुछ नहीं होता है, विशेष परिस्थिति में होता है। गोइंग जा रही या जा रहा जा रहे, टू सी वह बाई खरीदने, ए एक ब्यूटीफुल सुंदर, फोर के लिए ड्रेस कपड़े।
तो इसका अर्थ निकल करके आता है कि वह दुल्हन के लिए एक सुंदर सी पोशाक खरीदने जा रही है। तो सी, देखिए इस सेंटेंस में हम देखते हैं सी इसमें सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सी शुरू में कहाँ आ रहा है। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो इसी सेंटेंस को देखते हैं, सी वॉज गोइंग टू बाई ए ब्यूटिफुल ड्रेस फॉर द ब्राइट। इसमें सब्जेक्ट आ रहा है, सी सब्जेक्ट है और सिंपल सेंटेंस है, तो इसका बी ऑप्शन ही करेक्ट है। नंबर 10, फेंटेड दी डॉक्टर दी फ्रंट पेशेंट इन ऑफ इन हॉस्पिटल। फेंटेड मीन्स बेहोश हो गया। दी डॉक्टर, डॉक्टर मीन्स चिकित्सक, फ्रंट सामने, पेशेंट मरीज, इन ऑफ इन प्रीपोजिशन है, हॉस्पिटल अस्पताल में। तो इसका अर्थ निकल करके आता है कि मरीज अस्पताल में डॉक्टर के सामने ही बेहोश हो गया। तो मरीज बेहोश हुआ है, पेशेंट, तो देखते हैं कि पेशेंट शुरू में किन किन वाक्यों में आ रहा है। स्टूडेंट्स, ये लास्ट है इस वीडियो का सेंटेंस। सेंटेंस को जो पार्ट्स दिए हुए हैं, वर्ड क्लस्टर्स हैं, उनको हम स्टडी करेंगे और स्टडी करने से हम उसके हिंदी अर्थ को समझेंगे, और अर्थ समझ लेते हैं तो सेंटेंस को रीऑर्डर करना, रीअरेंज करना अधिक आसान होता है। तो इसमें पेशेंट पहले आएगा तो ए भी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, क्योंकि डॉक्टर मरीज के सामने बेहोश नहीं होगा, मरीज डॉक्टर के सामने बेहोश होगा या नहीं होगा वो चीज़ अलग है। तो सी में आते हैं, The patient in the hospital fainted in front of doctor. ये भी नहीं है। The patient fainted, मरीज बेहोश हो गया, in front of doctor, डॉक्टर के सामने, in the hospital, अस्पताल में। देखिए अस्पताल में मरीज डॉक्टर के सामने ही बेहोश हो गया, तो सही ऑप्शन इसका डी है। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक आइकन को क्लिक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।